तो दोस्तों आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कार्टून वीडियो बनाने के हर एक स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो हो सकता है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो, पर आप लोग पेशेंस बनाए रखना और बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको 100% फायदा होगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो एक कॉपी एंड एक पेन आप लोग ले लेना, जिससे मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा आप उसे नोट डाउन कर लेना। वेल, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको काइनमास्टर एंड क्रोमा टून्स के बेसिक एडिटिंग वगैरह आते होंगे, और अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस फील्ड में तो आप मेरे इस वीडियो को देख लो जिसमें मैंने हाउ टू यूज क्रोमा टून्स डिटेल में सिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको कौन कौन से एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। काइनमास्टर या फिर VN एडिटर, पिक्सेल लैब, इमेज सर्च मैन, बैकग्राउंड इरेजर, मोशन लिप, क्रोमा टून्स एज ऑब्वियसली, एंड ईजेट गीट मेकर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक एंगेजिंग स्टोरी बनाने के लिए इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो मैं पॉइंट 1 से शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि स्टोरी राइटिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग। स्टोरी राइटिंग से भी पहले आपका एक काम होता है दोस्तों कि आपको अपने वीडियो का कैटेगरी फाइंड करना होता है कि आप जो है कौन से कैटेगरी पे वीडियो बनाओगे, हॉरर स्टोरी, मॉरल स्टोरी या फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स। कैटेगरी फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ही फील्ड के जिस फील्ड का वीडियो आप बना रहे हो, लाइक हॉरर स्टोरी बना रहे हो, तो उसी फील्ड के किसी बड़े क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल को खोल लेना है। जैसे ही आप उस क्रिएटर के यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाना और वहाँ पे पॉपुलर का ऑप्शन होगा, तो आप पॉपुलर में क्लिक करना। उस सेक्शन में आपको बहुत सारे पॉपुलर वीडियो वगैरह दिख जाएंगे, तो आप क्या करना, कोई सा भी वीडियो को उठाना और उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना। इसके पीछे का साइंस ये है दोस्तों कि देखो जो वीडियो पॉपुलर है ना, उस वीडियो में व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे खासे आए हैं और उस वीडियो में एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली उस वीडियो का जो स्टोरी होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आपको उस वीडियो के स्टोरी को एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना है या फिर आपको एक कॉपी में लिख लेना है, शॉर्ट करके एक कॉपी में लिख लेना। इसके बाद आपको खुद का कुछ क्रिएटिविटी यूज करना है और उस स्टोरी को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। मान लो कैरेक्टर्स का नाम जो है वो आप बदल सकते हो, प्लेसेस का नाम आप बदल सकते हो, या फिर कुछ कुछ अपने तरफ से ऐड भी कर सकते हो। बहुत से लोग खुद के इमेजिनेशन से स्टोरी बना लेते हैं, पर मैं मानता हूँ अगर आप शॉर्ट टाइम में कुछ बेटर बना सकते हो तो क्यों ना आप इस ट्रिक को यूज करो, इससे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोरी मिलेगा। और दोस्तों और एक बात, आप सेम टू सेम स्टोरी को कॉपी मत करना, क्योंकि इससे कॉपीराइट वगैरह तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, पर आप खुद ही सोचो एक स्टोरी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरल है, जिसे लोगों ने देखा है, आप उसी स्टोरी को अगर फिर से प्रेजेंट करोगे तो उसमें उतना अटेंशन नहीं रहेगा। तो खुद का क्रिएटिविटी आपको यूज करना मैंडेटरी है। मान लो अब आपने अपने स्टोरी का एक राफ स्क्रिप्ट लिख लिया है, अब आप क्या करना, उस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना और एक लिस्ट बनाना जिसमें मेल और फीमेल को आप बाइफरकेट करोगे। इसके बाद आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना और वहां पे एक न्यू फोल्डर बनाना, क्योंकि मैं यहां पे आपको सिर्फ स्टोरी बनाना नहीं सिखा रहा हूं, आपको कम टाइम के अंदर किस तरीके से स्टोरी बनाना है वो भी सिखा रहा हूं। उस फोल्डर में आप जितने भी बैकग्राउंड मटेरियल्स या फिर कैरेक्टर्स को यूज करोगे उन सभी को उसी फोल्डर में आप ऐड कर लेना और उस फोल्डर को रीनेम करके अपने स्टोरी का नेम दे देना। इससे दोस्तों आपको बहुत ही आसानी होगी, जब आप क्रिएट करोगे स्टोरी तो आपको कैरेक्टर इधर उधर या फिर इमेजेस को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उसी फोल्डर में जाके इजीली वहां से यूज कर सकते हो और इससे आपका लॉट्स ऑफ टाइम सेव होगा। इसके बाद दोस्तों मान लो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आपका स्टोरी का मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए 10 मिनट, और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आपके स्टोरी का मिनिमम लेंथ होना चाहिए 5 मिनट। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह फ्री में आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो जिसने भी अभी तक यूज नहीं किया है आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मैक्सिमम कार्टून बैकग्राउंड प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप फ्री में यूज कर पाओगे। अब हमने स्टोरी को लिख लिया है, मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है एनिमेशन, कि किस तरीके से आप क्रोमा टून में क्लिप बाय क्लिप और बहुत ही कम टाइम में एनिमेट करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्रोमा टून में बहुत ज्यादा एड आता है जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्लिप को क्रिएट करने के टाइम पे। तो मैं जिस टेक्निक का यूज करता हूँ उस टेक्निक का यूज आप भी करके देख सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत ही कम टाइम में आप एनिमेट कर लोगे। तो अब मैं चलता हूँ क्रोमा टून ऐप पे।
वेल क्रोमाटून में जाने से पहले मैं आपको अपने स्क्रिप्ट राइटिंग का स्टाइल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टोरी का स्टार्टिंग जो है नरेशन से किया है, आपको भी इसी तरीके से नरेशन से स्टार्टिंग करना है। सेकंड, मेरा जो मेल कैरेक्टर है रमेश वो बात करेगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है एनिमेट करूंगा। थर्ड में मेरा मोहिनी जो है फीमेल कैरेक्टर है वो बात करेगी, देन मेरा मेल कैरेक्टर बात करेगा और लास्ट में नरेशन करते हुए मैं एक क्लिप को खत्म करूंगा। तो अब प्रैक्टिकली इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं क्रोमाटून ऐप पे आ चुका हूँ और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने दो कैरेक्टर को चूज कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने स्टोरी को क्लिप बाय क्लिप रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले मैं कहानी को नैरेट करूंगा और इसके लिए मुझे दोनों कैरेक्टर के डिफॉल्ट मूव को जो है टॉक एनिमेशन दे के रखना है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझो कि जब मैं नैरेट कर रहा हूंगा तो मेरा कैरेक्टर जो है बातें कर रहे होंगे बट उनका जो साउंड है वो नहीं आएगा। इसके बाद आपका जो कैरेक्टर मेल चाहे फीमेल जो भी कैरेक्टर आपका सबसे पहले बात करेगा उसे आप टॉक एनिमेशन देना और जो कैरेक्टर उसका बात सुनेगा उसे आप आइडियल एनिमेशन देके सेट करना। इसे प्रैक्टिकली अगर समझे तो मूव 1 को मैंने टॉक एनिमेशन दिया है, मूव 2 को आइडियल दिया है, अगेन मैं मूव 3 को टॉक एनिमेशन दूंगा। आपको कभी भी पूरा का पूरा क्लिप एक साथ रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको पार्टली अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से क्लिप को रिकॉर्ड करते जाना है। इसके बाद आपको अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो वॉइस ओवर आप सेट करोगे तो आपका कैरेक्टर कितने टाइम बात करेगा उस चीज को आपको पहले ही लिख लेना है। इसे कुछ इस तरीके से समझो कि आपका मेल कैरेक्टर जो है उसका आपने डायलॉग लिख लिया, अब उस डायलॉग को आप एक बार बोल के देखना कि कितना टाइम लग रहा है उसे और उसी के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट चेंज करना। मैंने यहाँ पे मूव सेट कर लिया, अब मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको कैरेक्टर के मूवमेंट को चेंज करना है। यहाँ पे जो कैरेक्टर दोनों बातें कर रहे हैं ना ये मेरा नरेशन का पार्ट है, अब मेरा मेल कैरेक्टर ओनली बात करेगा। तो आपको इसे पहले से ही सेट कर लेना है अपने डायलॉग के अकॉर्डिंग कि आपका डायलॉग कितना लंबा होगा और उतने टाइम ही आप अपने मेल कैरेक्टर को बातें करवा। देन आपका मेल कैरेक्टर का जब बातें खत्म होगा तो आप फीमेल कैरेक्टर पे क्लिक करना तो आपका फीमेल कैरेक्टर बातें करेगा और ये दोनों चीजें एक साथ करना। मेल कैरेक्टर पे क्लिक करोगे वो आइडियल पोजीशन पे होगा और फीमेल कैरेक्टर पे क्लिक करोगे वो बातें करेगा। एंड हमेशा ये चीज याद रखना कि एक कॉन्वर्सेशन को आप हमेशा नरेशन से एंड करोगे। अब मैं काइन मास्टर पे आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से क्लिप वगैरह को ऐड करना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिया और मैंने इसे ग्रीन स्क्रीन पे इस क्लिप को रिकॉर्ड किया था तो मैं इस क्लिप को लेके आ जाता हूँ। इसके बाद आपको बैकग्राउंड को इस क्लिप के साथ एडजस्ट कर लेना है, जितना लेंथ का आपका क्लिप है उसी लेंथ का आपको बैकग्राउंड रखना है। अपने क्लिप को अच्छे से क्रॉप कर लेना है और क्रोमा की का यूज करके आपको ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव कर लेना है। इतना काम बहुतों को आता होगा पर अब मैं जो दिखा रहा हूँ वो चीज अगर आप करोगे तो आपका जो वीडियो है वो और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। इसके बाद आप कलर एडजस्टमेंट वगैरह कर लेना और क्रोमा की के यूज करके जो ग्रीन स्क्रीन है उसे रिमूव कर देना। आप इस चीज को ध्यान से देखना, जहां तक मेरा दोनों कैरेक्टर बातें कर रहा है ना वहां तक मैं नैरेट करूंगा और उसे अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर का इधर टिक लगा दूंगा। नेक्स्ट मेरा मेल कैरेक्टर जो बात कर रहा है वहां से लेके जहां तक फीमेल कैरेक्टर अपना बातें करना शुरू करेगी वहां पे मैं फिर से और एक टिक लगाऊंगा। एंड देन आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। टिक लगाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे या फिर कह सकते हैं इस पे क्लिक करना है तो आपका जो है पॉइंटर लग जाता है। अगर आप इस तरीके से पॉइंटर लगाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होता है वॉइस ओवर करने के टाइम पे। अब अगर आप वॉइस ओवर करना चाहो तो आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, इधर आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपका वॉइस ओवर शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग से लेके पहला जो पॉइंट है वहां तक स्टोरी को मैं नैरेट करूंगा, फिर सेकेंड पॉइंट तक जो है मेरा मेल कैरेक्टर बात करेगा और इसी तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर मुझे वॉइस ओवर करना है। इस चीज को मैं आगे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा लेकिन इससे पहले इस क्लिप को आपको सेव कर लेना है और फिर से काइन मास्टर पे एक ब्लैक कलर का स्क्रीन ले लेना है। इसके बाद आपने जो भी क्लिप को सेव किया है उस क्लिप को लेके आना है और इधर आपको जो ब्लैक स्क्रीन का लेंथ है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग अपने क्लिप को कर लेना है। तो अब आप ध्यान से देखना, मैं इधर स्प्लिट एंड स्क्रीन नहीं करूंगा, इधर मैं इस क्लिप को थोड़ा सा जूम करता हूं और इधर मैं किस तरीके से की फ्रेम का यूज करूंगा आप ध्यान से देखना। अब मैं की फ्रेम को क्लिक करूंगा और जहां से जहां तक मैं स्टोरी को नैरेट कर रहा हूं वहां तक लेके जाके स्क्रीन को जो है जूम कर दूंगा। तो मुझे यहां पे जहां से मेरा मेल कैरेक्टर बात करना शुरू कर रहा है उसके थोड़े से पहले मुझे की फ्रेम को यूज करना है और स्क्रीन को जूम करके बिल्कुल सेंटर में लाना है अपने दोनों कैरेक्टर को। इसके बाद जहां से आपका मेल कैरेक्टर बात करना शुरू कर रहा है वहां से लेके फीमेल कैरेक्टर बात करने के स्टार्टिंग तक आपको क्या करना है, स्क्रीन को स्लाइड करना है लेफ्ट की
दूसरी ओर। इसे आप कुछ इस तरीके से समझो कि आपका जो भी कैरेक्टर बात करेगा तो हम उसे पहले फोकस कराएंगे, कैमरा एंगल को चेंज करके उसे फोकस कराएंगे। देन हमारा राइट साइड का कैरेक्टर जब बात करना हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, कैमरा एंगल को घुमाएंगे और लेफ्ट साइड लेके आएंगे जहाँ पे हमारा दूसरा कैरेक्टर है। और एंड में जब मैं फिर से नरेशन करूंगा तब आपको क्या करना है, इस क्लिप को सेंटर में लेना है और वापस से पूरा छोटा कर देना है। जैसे स्टार्टिंग में आपका क्लिप था उतना छोटा आपको कर देना है। अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे तो आपका स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगा और जो व्यूअर से उसे बोर नहीं लगेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जहां से जहां तक मैं नैरेट कर रहा हूँ वहां तक स्क्रीन जूम हो रहा है, एंड देन जब मेरा मेल कैरेक्टर बात करना शुरू करेगा स्क्रीन लेफ्ट साइड में स्लाइड होगा। इसके बाद आपको दोबारा से इस क्लिप को और एक बार सेव कर लेना है और फिर से एक ब्लैक स्क्रीन ले लेना है। अब मैं वापस से इस क्लिप को ऐड करूंगा और अब आप देखना मैं किस तरीके से इसमें थोड़ा सा और इफेक्ट डालता हूं। इस बार आपको अपने स्क्रीन को स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फुल जूम कर लेना है और स्टार्टिंग से लेके जहां तक आपका मेल कैरेक्टर बात करना शुरू कर रहा है वहां तक लेके आके आपको एक कट लगाना है। ट्रिम का यूज करके आप इसे स्प्लिट कर लेना और जो पहला क्लिप है उसका आउट एनिमेशन फेड देना एंड नेक्स्ट क्लिप का इन एनिमेशन फेड देना। इससे आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि आपका नरेशन खत्म हुआ, देन आपका जो वॉइस ओवर है अपने कैरेक्टर्स का वो शुरू हो रहा है। इस टेक्निक का यूज आपको हर एक क्लिप के ट्रांजेक्शन में करना है। मान लो एक सीन से मैं दूसरे सीन में शिफ्ट हो रहा हूँ तो हमेशा आपको इस टेक्निक का यूज करना है। अभी इस छोटे से क्लिप को समझाने के लिए मैं इसके एंड पे फेड आउट कर देता हूँ और इसके इन एनिमेशन पे भी मैं फेड इन कर देता हूँ। अब मान लो आपने कोई इंट्रो यहाँ पे ऐड किया है तो इंट्रो जो है शुरुआती में इसके इंट्रो के इन एनिमेशन को फेड करना, इंट्रो जहां से जहां तक खत्म हो रहा है उसके आउट एनिमेशन को भी आप फेड करना। तो अब अगर आप कहानी बताते हो कि ये कहानी है डैश गांव की तो इसके बाद आपका कॉन्वर्सेशन शुरू होता है जिसमें आप बताओगे जे ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, एंड जैसे ही आपका नरेशन पार्ट इस तरीके से एंड होगा आपका वॉइस ओवर जो कैरेक्टर का होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस टेक्निक को एक ही क्लिप में बहुत ज्यादा बार यूज मत करना। इसे तभी यूज किया जाता है जब आप एक सीन से दूसरे सीन पे मूव करते हो। इस टेक्निक को आप एज ए ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, इससे आपका वीडियो जो है और भी ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा। वेल, हमारा फोर्थ पॉइंट है वॉइस ओवर। आपको वॉइस ओवर किस तरीके से करना है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है आप एक बार जाके उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने आप किस तरीके से अपने वॉइस को मेल एंड फीमेल में कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे अपने वॉइस को, वो भी मैंने दिखाया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपका वॉइस ओवर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहां से लेना है और किस तरीके से यूज करना है उसके के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आप में से जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोग उस वीडियो को देख लेना। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक मैं जिस वेबसाइट से यूज करता हूँ वहाँ से यूज करना बिल्कुल फ्री होता है और आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड मैं एक सेफ साइट को लेके चलता हूँ और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कम से कम बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करो और बैकग्राउंड म्यूजिक के रिप्लेसमेंट में आप बर्ड्स के साउंड, नाइट साउंड या फिर कोई भी साउंड इफेक्ट देकर अपने वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि दोस्तों उस वेबसाइट से बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने पे आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर एक सेफ्टी साइट के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक के रिप्लेसमेंट में साउंड इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करो अपने वीडियो पे। क्योंकि मान लो कल आपको कॉपीराइट क्लेम आ भी जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक पे तो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का पार्ट जो है वो बहुत ही कम होगा, आप उसे म्यूट कर सकते हो, इससे आपके वीडियो में कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका रेवेन्यू जितना भी बनता है वो आपके पास ही रहेगा, कोई भी म्यूजिक ओनर के पास नहीं जाएगा। अब बात करते हैं साउंड इफेक्ट्स की। तो साउंड इफेक्ट्स के लिए मैं दोस्तों कुछ दिनों में आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपको मैक्सिमम साउंड इफेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। उस वीडियो में मैंने खुद का क्रिएट किया हुआ साउंड को ऐड किया है, जितने भी साउंड्स हैं मेरे खुद के है, तो आपको इससे कोई भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो दोस्तों मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊँ, तो आप लोग बस पेशेंस बनाए रखना। मैं कुछ ही दिनों में एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैक्सिमम साउंड इफेक्ट वगैरह मिल जाएंगे और आप उन साउंड इफेक्ट्स को लाइफ टाइम के लिए फ्री में एक्सेस कर पाओगे, यूज कर पाओगे। सो अब मैं अपने लास्ट पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि है थंबनेल। आपको थंबनेल किस तरीके से बनाना है। थंबनेल के ऊपर मैंने
मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आप लोगों में से जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, इससे आपका थंबनेल का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। विदाउट एनी पेड ऐप आप उस टेक्निक से हाई रिजोल्यूशन के थंबनेल बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से बना लोगे। और एक बोनस टिप उन लोगों के लिए जो अब तक वीडियो को देख रहे हैं, आपको हमेशा अपने वॉइस ओवर के साउंड को 100 रखना है। इसे आप मिक्सचर पे क्लिक करना, 200 कभी मत करना, इसे 100 रखना। 200 करोगे तो आपका वॉइस ओवर का साउंड बहुत ही गंदा आएगा। इसके बाद आप जो भी साउंड इफेक्ट यूज करोगे उसके साउंड को 60-70 रखना। और अगर आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज करते हो उसके साउंड को हमेशा से 10-15 के बीच में रखना। ये एक टेक्निक होता है दोस्तों, जिससे आप अपने वॉइस ओवर को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। इसीलिए आपको इसी ऑर्डर में साउंड को सेट करना होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखना दोस्तों, आप वीडियो अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहे हो, ऑडियंस के लिए बना रहे हो। इसीलिए आप कभी भी हेडफोन लगा के वॉइस ओवर मत करना या फिर साउंड इफेक्ट के साउंड को एडजस्ट मत करना। ये जरूरी नहीं है कि आपका ऑडियंस हेडफोन लगाकर ही आपके वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हेडफोन में साउंड थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, थोड़ा सा हाई पिच में आता है, और नॉर्मल फोन में अगर आप देखते हो तो साउंड थोड़ा सा कम आता है। और इसीलिए आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। आज के वीडियो के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ बैकग्राउंड दे रहा हूँ, कुछ प्रॉप्स दे रहा हूँ। इसी के साथ जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अभी तक बनाया है उनका लिंक, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वीडियो है उसका एंड साउंड इफेक्ट के वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। तो मान लो अब आपने वीडियो तो बना लिया है, पर उसे अपलोड किस तरीके से करना है कि आपको अच्छा खासा व्यूज आए और आपके वीडियो का जो रीच है वो बढ़े। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इन चीज को ऐड करके किस तरीके से वीडियो को अपलोड किया जाता है उसके ऊपर ट्यूटोरियल लाने के लिए। अगर इस तरीके का ट्यूटोरियल अगर आप भी चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर मुझे इस टॉपिक को लेके मैक्सिमम कमेंट दिखा तो मैं एक फुल वीडियो ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा कि आपको टाइटल किस तरीके से लिखना है, डिस्क्रिप्शन टैग्स किस तरीके से यूज करना है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।